गाजीपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी से जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर पेशी में मंडल कारागार नहीं जा सका और मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी। आपको बताएं कि उसरी चट्टी हत्या कांड में मुख्य गवाह है मुख्तार अंसारी, जिसको लेकर पेशी होनी थी और कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पेशी के लिए न ले जाने पर कोई भी जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन कोहरे के चलते कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता। तो ये बड़ी जानकारी आपको दें, पेशी के लिए नहीं लेकर गए, अब उसको लेकर प्रशासन के ऊपर अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं अब सख्ती देखने को मिल रही है, लेकिन जवाब जब मांगा गया तो जवाब नहीं दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गाजीपुर से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पेशी में मंडल कारागार नहीं पहुंच सका। आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी। उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्य गवाह है मुख्तार अंसारी, पेशी के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारी अब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, अफसर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और पेशी के लिए न ले जाने पर जवाब मांगा गया, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अफसरों की तरफ से अभी तक कोई जवाब कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं दिया गया है। हालांकि प्रशासन कोहरे के चलते कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो पेशी में मंडल कारागार नहीं जा सका और उसको लेकर, क्योंकि मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी, कोर्ट का आदेश अब दिया, जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से, पुलिस के तमाम बड़े अफसरों की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो ये गाजीपुर में पूरा मामला है, आपको बता रहे गाजीपुर से बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी से जुड़ा ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये एक और बड़ी अपडेट कि पेशी में जब मंडल कारागार नहीं पहुंच सका, नहीं जा सका, उसके बाद अब अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जवाब अभी तक अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया है। मुख्तार अंसारी की हालांकि आपको बताएं कि एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी। उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्य गवाह है मुख्तार अंसारी, जिसको लेकर पेशी होनी थी, हालांकि पेशी नहीं हो पाई। कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारी फिलहाल कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अफसर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, पेशी के लिए नहीं लेकर गए, उसको लेकर अब अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिलहाल अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया है। प्रशासन हालांकि कोहरे के चलते कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता, ये भी चीज निकलकर सामने आ रही है, ये भी एक पहलू निकलकर सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं यही वो वजह मानी जा रही है कि घना कोहरा, उसके चलते रास्ते में कोई हादसा ना हो या फिर कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेकर जेल प्रशासन भी किसी तरह की कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद गाजीपुर के न्यायालय में, जहां उसी चट्टी कांड मामले में आज मुख्तार अंसारी को यहां पेश होना था। आपको बता दें कि सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि बांदा जेल से अभी मुख्तार अंसारी के निकलने की पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके वजह से आज यहां वो पेश नहीं हो पाएंगे। गाजीपुर से जनतन टीवी, विपिन सिंह यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी से जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर अब पेश नहीं किया गया, मंडल कारागार नहीं पहुंच सका, तो अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, लेकिन जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया अभी तक। बिल्कुल, प्रशासन तरफ से भी ये पुष्टि की गई है कि जो है मुख्तार अंसारी अभी तक बांदा जेल से नहीं निकल पाए हैं और कहीं ना कहीं ये घने कोहरे की वजह से ऐसा हुआ है। और क्या मुख्य वजह बताई जा रही है, क्या प्रशासन की तरफ से या फिर पुलिस अधिकारियों की तरफ से केवल एक कोहरा ही बड़ी वजह है इसकी? दरअसल मैं आपको बता दूं कि पिछले समय भी जो इनकी जनवरी की जो केसी होनी थी, तो इनके जो वकील हैं हाईकोर्ट में, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था सुरक्षा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए भी इनकी पेशी नहीं हो पाई है। और जहां तक देखा जाए कोहरा भी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, कोहरा भी एक वजह हो सकता है।
विपिन, क्योंकि उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी को माना जा रहा है। अब ऐसे में अगर मामले में आगे सुनवाई नहीं होती है या फिर मुख्तार अंसारी को पेश नहीं किया जाता है तो क्या ये समझा जाए कि सुनवाई में देरी हो सकती है, डिले हो सकता है? जी बिल्कुल, देरी हो सकती है क्योंकि ये जो है 21 साल पुराना मामला है और अभी तक ये मामला जो है विचाराधीन है, तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं देरी हो सकती है।